أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students of class 6th السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today 6th of September 2020 we are going to solve question number 6 that is Find the ratio of the following 81 to 108. देखिए प्यारे बच्चों 81 to 108 को हमने रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे हम 81 डिवाइडेड बाई 108 लिखेंगे सिंपली तो फिर हम सिंपली कसर काटेंगे 9 से कसर काटेंगे 99 जार 81 912 जार 108 फिर 9 को 33 जार 9 34 जार 12 तो इसका निकलेगा 3/4 विच इज इक्वल 3:4 इसका रेशियो जो निकला है वो 3:4 ये स्टूडेंट्स पार्ट बी जो है दैट इज 98 to 63 तो हम क्या करेंगे 98 डिवाइड बाय 63 फिर हम इसको 7 से इसकी कसर काटेंगे 7 9 = 63 7 14 = 98 7 14 / 9 = 14:9 इसके बाद है 33 km to 102 km 33 / 121 11 3 = 33 and 11 11 = 121 3 / 11 = 3:11 एंड नेक्स्ट वन इज 30 minutes to 45 minutes 30 / 45 विच इज इक्वल टू 5 से हम कसर काटेंगे 5 6 = 30 5 9 = 45 एंड फिर हम इसको 3 से कसर काटेंगे 3 2 = 6 3 3 = 9 विच इज इक्वल टू 2/3 तो रेशियो निकलेगा 2:3 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है 30 minutes to 1.5 hours तो यहाँ पर क्या है ये मिनट्स में है दिस इज इन मिनट्स और सेकंड वाला जो है दैट्स आवर्स तो हम इसको पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे सो वी नो हम क्या जानते हैं 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes तो इसके बाद है 1.5 मीन्स 50 मिनट्स और है 1.5 ये है वी नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स और ये क्या है 1.5 hours मीन्स ये डेट आवर है तो डेट आवर में कितना होगा 60 और फिर प्लस 30 मिनट्स 60 + 30 minutes which is equal to 90 minutes तो जब हम रेशियो इसका निकालेंगे तो रेशियो क्या निकलेगा 30 minutes to 90 minutes तो दैट इज इक्वल टू 30 / 90 जीरो और जीरो को कैंसिल करेंगे 3 1 = 3 3 3 = 9 1/3 तो रेशियो क्या निकलेगा 1:3 इसी तरह है पार्ट बी 40 sum to 1.5 meter देखिए ये सम में है और ये मीटर में तो मीटर वाली को हम पहले सम में ही कन्वर्ट करेंगे 1 meter इज इक्वल टू 100 sum 1 meter इज इक्वल टू 100 sum तो ये 1.5 sum है डेड तो ये हो गया 100 और ये हो गया 150 centimeter 100 + 50 विच इज इक्वल टू 150 centimeter ये आएगा तो रेशियो जब निकलेगा वो क्या निकलेगा 40 sum to 150 sum
क्योंकि हमने इसको सम में कन्वर्ट किया, तो रेशियो निकलेगा 40/150। 0 और 0 कैंसल, 4/15, 4:15। ये जवाब क्या आ गया, 4:15, ये हमारा जवाब आ गया। तो इसी तरह है पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी है 55 पैसा टू रुपीज़ वन, ये पैसा है और ये रुपी है, तो 1 रुपी को हम पैसा में कन्वर्ट करें। हाँ, वी नो 1 रुपी, 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मच पैसा, 100 पैसा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है। तो रेशियो क्या बनेगा हमें, इस तरह बन गया 55 पैसा टू 100 पैसा। तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो इज इक्वल 55/100। 5 से जब हम उसकी कसर काटेंगे, 5 5 55 5 2 10 and 0 5 1 5 4 4 21/4 विच इज इक्वल टू 1:4। तो पार्ट नंबर डी जो है, दैट इज 500 ml टू 2 लीटर। देखिए अब यहाँ पर ml में है और ये लीटर में है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो ये चूंकि ये 2 लीटर है, 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml है। तो रेशियो क्या बनेगा इसमें, आप रेशियो बनेगा 500/2000। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल करो, यहाँ बच गया हमें 5/20। फिर कसर करो 5 1 5 5 4 21/4 विच इज इक्वल टू 1:4, ये इसका रेशियो बनेगा। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको रुपी को पैसा में, या मीटर को सेंटीमीटर में, या लीटर को ml में, या रुपीज़ को पैसा में, तो बाद में हम इसको रेशियो निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।